सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग मेरे भाइयों। सो गाइस कमेंट करके आप सभी लोग सबसे पहले मुझे अपनी रैंकिंग बता दो यार, और आप सभी लोगों की रैंक पुशिंग गाइस कैसी चल रही है गाइस, ये चीज़ भी मेरे को कमेंट करके बता देना। सो गाइस सर देखो आज का ये वाला गेम प्ले आप देख रहे हो ना, ये वाला गेम प्ले काफ़ी मस्त होने वाला है और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी होने वाली है वीडियो में। तो ये वीडियो मेरे भाई लास्ट तक देखते रहना, गेम प्ले से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाली है जिससे आपको थोड़ा बहुत मतलब आइडिया रहेगा कि रैंक स्लो में आखिर गेम खेलना कैसे है और किल्स विल्स कैसे निकालने, ठीक है ना गाइस। तो ये वीडियो आप सभी लोग मेरे भाई लास्ट तक देखते रहना। तो यहाँ पर देखो मैं आराम से होल्ड वोल्ड करके बैठा था, तभी मेरा टीममेट पीछे की तरफ कहीं पे एक बंदे को नॉक करता है। तो फिर मैंने सोचा चलो यार मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा उस जगह पर चला जाता हूँ, थोड़े बहुत फाइट वाइट ले लेते हैं, किल विल हम भी निकाल लेते हैं। एंड कैसे मेरे को कमेंट करें जल्दी से आप अपनी केडी बताओ कि मतलब आपने कितने मैचेस खेले हैं, कितने मैचेस विन करे हैं और अभी आपकी कितने ही केडी है, ये सारी चीज़ें कमेंट करके मेरे को जल्दी से बता देना कमेंट में। अब गाइस देखो यहाँ पर सीन क्या हुआ था, मेरा जो टीममेट था वो तो पीछे ऊपर की तरफ एक क्लॉक टावर रहता है वहाँ पर था, ठीक है ना, और ये बंदे थे स्क्वाड हाउस में और मैं इस तरफ से आ जाता हूँ अब यहाँ पर, ठीक है ना। मेरे को यहाँ पर बंदा स्पॉट हो नहीं रहा था, पर लेकिन जब मैं थोड़ा सा आगे आ करके देखता हूँ ना, मेरे को ये बंदा स्क्वाड हाउस में दिख जाता है और मैं इस बंदे को यहाँ पर जल्दी से फटाफट नॉक कर देता हूँ, ठीक है ना। आप गाइस देखो यहाँ पर इस बंदे को नॉक करने के बाद में इन बंदों से अपनी जो फाइट थी ना इतनी ज़्यादा लंबी चलती है ना भाई, क्या ही बताऊँ। वो फाइट बस आप खुद ही देख लेना, मैं वॉइस ओवर नहीं करने वाला अब। सही में मौली बाहर गिरी क्या? हाँ बे मजा 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 नेट डाल है तो लोग डाल रहे, रुक भी क्या हो गया ऊपर चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा बे। अब गाइस मतलब यार क्या ही बोलूँ, एक फाइट खत्म होने में यहाँ पर जन्मों जन्म बीत चुके थे, तो कोई बात नहीं अभी क्या ही कर सकते हैं। फिर गाइस उसके बाद देखो हम ये वाले कंपाउंड पर आ जाते हैं और सामने से बग्गी की साउंड आ रही थी, और भाई आप ये वाले जो कंपाउंड देख रहे हो ना ये जोन के काफी सेंटर में था, ठीक है ना, और यहाँ पर हम आराम से होल्ड कर रहे होते हैं। फिर गाइस यहाँ पर से जोन मतलब नेक्स्ट जोन बनता है और जो नेक्स्ट जोन था ना वो कुछ इस टाइप का बना था, जो मतलब किस्मत अपनी काफी सही चल रही थी फिलहाल के लिए। तो फिर गाइस सही पीछे भसड़ होती है और एक यूएसएड आ रही थी, और भाई क्या ही बोलो पीछे ये बंदे का केले एक तरह से मेरा चोरी ही टाइप मान सकते हो, क्योंकि भाई दोनों मतलब दोनों का तो पता नहीं, पर लेकिन एक बंदे को दो हेड दिए थे मैंने और फुल भारी डैमेज दिया था। खैर कोई बात नहीं गाइस, उसके बाद देखो हम यहाँ पर सामने की तरफ स्पोर्टिंग कर रहे होते हैं, तभी एक बंदा यहाँ पर ओपन में दिखता है और ये बंदे को आराम से गाइस यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। फिर गाइस उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत देख रहा होता हूँ, स्पोर्टिंग कर रहा होता हूँ, तो यहाँ पर जोन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पर गाइस सोचा कि मैं इस घर के ऊपर चढ़ जाता हूँ, अब पीछे से कैसे तो पड़ने वाली है नहीं मेरे को, क्योंकि फिर तभी यहाँ पर आ जाती है एक डासिया।
अब गाइस देखो यहाँ पर ये डासे वाले बंदे को मारने के लिए थोड़ा सा वेट करता हूँ, क्योंकि गाड़ी गोल गोल घूमती रहती, इतने में मेरी रिलोड आ जाती और साथ से ही दोनों किल मेरे हाथ से निकल सकते, मेरा टीममेट ही मार देता। तो वेट करके आराम से एक बंदे को फिनिश कर देता हूँ और एक बंदे को मेरा टीममेट फिनिश कर देता है। अब गाइस उसके बाद देखो यहाँ पर जोन जो था ना अपने से ज़्यादा दूर कटा नहीं था, और ये बात काफ़ी सही थी क्योंकि इसी चीज़ की वजह से अपना ये गेम के अंदर चिकन भी निकलने वाला है। ये गेम के अंदर अपनी किस्मत सही थी कि जोन ज़्यादा दूर दूर नहीं कटा अपने से, ठीक है ना, थोड़ा पास पास ही कटा था तो आराम से हमने जोन इन भी कर लिया था। अब गाइस उसके बाद देखो यहाँ पर थोड़ी सी मैं लूट वूट करता हूँ, और भाई अब देखो यार यहाँ पर क्या ही फाइट वाइट होती है, मतलब हर जगह पर हम स्प्रे ले रहे थे, हर तरफ थोड़ी बहुत फाइट वाइट हो रही थी, मतलब हर तरफ उंगली सी कर ही रहे थे हम इस गेम के अंदर अब लगातार। एंड गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपके पास अच्छी पोजीशन आ जाती है ना गलती से भी या फिर कैसे भी आप पोजीशन होल्ड कर लेते हो अच्छी, तो भाई आपके आसपास जितने भी बंदे हैं ना ओपन में या फिर उनके पास अच्छी पोजीशन नहीं है, तो भाई उनके ऊपर लगातार प्रेशर बनाकर रखो यार, उनकी गाड़ियों के ऊपर उनके ऊपर फायर करते रहो बार बार, ताकि वो बंदे डरे रहें और आपके ऊपर जल्दी से फायर वायर करने से डरे थोड़ा बहुत, ठीक है ना, और पीक वीक ना करे। सिंपल सा कहने का मतलब ये है भाई आपको प्रेशर बनाना है बंदों पर। गया फिर गाइस देखो यहाँ पर सीन क्या होता है, मतलब अभी लास्ट के सिर्फ दो बंदे बचे थे और यहाँ पर ये वाली रिज के ऊपर जोन कटा था, तो फिर मैंने सोचा चलो यार जल्दी से हम यहाँ पर आ जाते हैं। चल एक लग गई। अबे अबे नहीं 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 मत रे, वहाँ पे नॉक मत खा, बस कहाँ कहाँ दूसरा कहाँ है? Watch out. एंड गाइस देखो यहाँ पर आने के बाद में एक बंदे को मैं नॉक करता हूँ और एक बंदे को मेरा टीममेट यहाँ पर फिनिश कर देता है, और इन दोनों बंदे को आराम से मार करके ये गेम के अंदर अपना विनर विनर चिकन डिनर हो जाता है। सो गाइस आज की ये वाली वीडियो आपको गाइस कैसे ले से कमेंट करके बताओ। एंड गाइस जो बंदा भी नया चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, और यार वीडियो को लाइक कर दो यार जल्दी से, क्योंकि यार वीडियो को लाइक करने में आपको कुछ नहीं घिसता।